पश्चिम बंगाल में जो हमेशा ममता बनर्जी साहिबा ने मुस्लिम अपीजमेंट, मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति की है, आज पकड़ पकड़ करके महिलाओं को भरपेट पीटा जा रहा है। मैं थोड़ा सा आपको 10 सेकंड इसको दिखाना चाहती हूँ ताकि लोगों को समझ में आए कि क्या दुर्दशा हो रही है। कितने सारे लोग हैं, इनके तो चेहरे भी नजर आ रहे हैं। इनके खिलाफ तो तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। ये हुआ है कमरहट्टी में। पहले तो हमने कूच बिहार का न्यूट परेड देखा था, फिर गैंगरेप उसी औरत महिला के साथ हुआ, फिर उसका मर्डर हुआ और मर्डर के शव को जूते और चप्पल के माला से पहनाया गया। अब उसके बाद फिर हमने फिर चोपड़ा में देखा, उत्तर दिनाजपुर, जिस पर ममता बनर्जी साहिबा के लाडले विधायक हमीदुल रहमान साहब ने कहा कि जहां पर शरिया कानून चलता है और जो शरिया राष्ट्र होता है वहां पर ये सारी चीजें बहुत आम होती हैं। अब ये कमरहट्टी में हुआ है और कमरहट्टी पहले से ही, बैरकपुर और कमरहट्टी पहले से ही बहुत ज्यादा विवादित रहा है, हमेशा से ही, जब से अर्जुन सिंह बीजेपी ज्वाइन किए थे। Press the bell icon on the YouTube app and never... सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया इज भारत पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की लेटेस्ट और दमदार वीडियो में आप देखेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाजिया लाई खान जी का दमदार और बेबाक इंटरव्यू। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए इंपॉर्टेंट और नॉलेजेबल वीडियो लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार नाजिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय हिंद अंजू जी। जय हिंद नाजिया जी। नाजिया जी, बड़ी ही एक वीडियो है जो वायरल हो रहा है, वेस्ट बंगाल का ही है। एक लड़की के साथ किस तरीके से मार पिटाई हो रही है, आखिर ममता के राज में ये क्या कुछ हो रहा है, कोई इसका संज्ञान ही नहीं ले रहा। अंजू जी, हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि एक राज्य, एक स्टेट जहाँ की मुख्यमंत्री जो है वो महिला है और महिलाओं के क्राइम को ही लेकर के, क्राइम अगेंस्ट वुमेन को ही लेकर के वो राज हमेशा चर्चित रहता है। कभी स्कैम, कभी तोलाबाजी, कभी मर्डर और कभी रेप। और अब ये नया कानून और नया ट्रेंड चला है मॉब लिंचिंग का और शरिया इंसाफ सभा का। जिस तरह से हम सीरिया के, अफगानिस्तान के, पाकिस्तान के बहुत सारे न्यूज चैनल्स पर देखते रहते हैं कि आज फला लड़की को काट करके फेंक दिया, आज फला अब्बू जान ने अपनी बेटी को बेच दिया, आज पाकिस्तान के चौराहे पर एक लड़की को का कपड़ा खोल दिया गया, आज पाकिस्तान के उस चौराहे पर एक एक आदमी को जिंदा जला दिया गया, आज सीरिया में निकाह मुक्ता इतना हो गया और ईरान में कि बीबीसी वर्ल्ड न्यूज और अलजजीरा पहुंच गया डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए। तो उसी तरीके से जैसे पाकिस्तान, सीरिया, ईरान में, अफगानिस्तान में होता है महिलाओं के ऊपर अत्याचार और मुसलमान मर्द ही मुसलमान औरतों पर अत्याचार करते हैं, उसी तरीके से पश्चिम बंगाल में जो हमेशा ममता बनर्जी साहिबा ने मुस्लिम अपीजमेंट, मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति की है, आज पकड़ पकड़ करके महिलाओं को भरपेट पीटा जा रहा है। मैं थोड़ा सा आपको 10 सेकंड इसको दिखाना चाहती हूँ ताकि लोगों को समझ में आए कि क्या दुर्दशा हो रही है। कितने सारे लोग हैं, इनके तो चेहरे भी नजर आ रहे हैं। इनके खिलाफ तो तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। ये हुआ है कमरहट्टी में। पहले तो हमने कूच बिहार का न्यूट परेड देखा था, फिर गैंगरेप उसी औरत महिला के साथ हुआ, फिर उसका मर्डर हुआ और मर्डर के शव को जूते और चप्पल के माला से पहनाया गया। अब उसके बाद फिर हमने फिर चोपड़ा में देखा, उत्तर दिनाजपुर, जिस पर ममता बनर्जी साहिबा के लाडले विधायक हमीदुल रहमान साहब ने कहा कि जहां पर शरिया कानून चलता है और जो शरिया राष्ट्र होता है वहां पर ये सारी चीजें बहुत आम होती हैं। अब ये कमरहट्टी में हुआ है और कमरहट्टी पहले से ही, बैरकपुर और कमरहट्टी पहले से ही बहुत ज्यादा विवादित रहा है, हमेशा से ही, जब से अर्जुन सिंह बीजेपी ज्वाइन किए थे 2019 में, तब भी वहां पर 144 लगा रहता था और वहां पर एक साहेबपुर बोल करके है, वहां पर सरे आम एक मुसलमानों के घर से हिंदुओं के घर पर बम गोली फेंका जाता था, बहुत नॉर्मल था बैरकपुर कमरहट्टी का। अब
भाटपाड़ा, और अभी ये कमरहट्टी का ही न्यूज है जहां पर एक महिला को पकड़ करके तृणमूल कांग्रेस पार्टी के पार्टी ऑफिस के अंदर आराम से पूरे खुले सांड की तरह बिना कानून के डर भय के पीटा जा रहा है, और किसी ने अपने चेहरे को ढका भी नहीं है, किसी ने ये लाज भी नहीं रखा है। और दिल में जो एक कानून का भय होता है कि एक मामूली पिक पॉकेट करने वाला जो चोर होता है ना, जो बस पे चढ़ता है, वो भी अपना चेहरा ढक लेता है, लेकिन इनको कोई डर नहीं है, क्योंकि उनको इनको पता है कि ममता बनर्जी साहिबा तो हर चोर उचक्के लफंगे मुसलमान बलात्कारी के पक्ष में वो रहती ही है और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाती ही है। हालांकि मांस बलात्कार जो शेख शाहजहां ने किया था उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पिटिशन को डिसमिस किया है, और कल ममता बनर्जी साहिबा जो है वो सर्वोच्च न्यायपालिका से भी बहुत जबरदस्त झटका खाई है, और सुप्रीम कोर्ट ने साफ लफ्जों में कहा है कि जिस तरह से जांच हो रही है और कलकत्ता हाईकोर्ट ने जो कहा है उसी हिसाब से होगा, हम इसमें इंटरवीन नहीं करेंगे। तो मैं आभारी हूँ सर्वोच्च न्यायपालिका। पर मुझे एक चीज नहीं समझ में आ रही नाजिया जी, अभी वो उस लड़की को, ये जितनी भी महिलाएं हैं या जितने भी लोग हैं जिनके खिलाफ इस तरह से अत्याचार हो रहा है तृणमूल कांग्रेस के गुंडों द्वारा, ये सबके सब वही है ना जिन्होंने चुनाव में बीजेपी का समर्थन किया। हाँ एग्जैक्टली। और देखिए पश्चिम बंगाल में सिर्फ ये नहीं है कि आप बीजेपी सपोर्टर हैं या आप बीजेपी का समर्थन करते हैं या आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं तो आप मार खाएंगे, ये 2021 तक था कि अच्छा ये बीजेपी वर्कर है तो इसको मर्डर करके इसका शव जो है पेड़ पे लटका दिया जाएगा, अच्छा ये बीजेपी करती है तो इसका बलात्कार किया जाएगा। अब क्या हो गया है कि जो संवैधानिक बात करेगा, जो भारत के संविधान से रिलेटेड बात करेगा उसको भी पीटा जाएगा, जो भारत में भारत के सनातन धर्म के हित में बात करेगा उसको भी पीटा जाएगा, जो भारत के सिविलाइजेशन के हित में बात करेगा बंगाल में उसको भी पीटा जाएगा, जो भी मुंह बंगाल की कुरनीतियों का और इस्लामिक शरिया प्रथाओं के खिलाफ बात करेगा वो भी पीटा जाएगा, उसके साथ दुर्दशा की जाएगी। तो अब मामला जो है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी तक नहीं रुका है, अब आम लोग भी मार खा रहे हैं, और क्यों खा रहे हैं कि शरिया के हिसाब से चलना पड़ेगा। जैसे चोपड़ा वाला, मैं आपको सही से विस्तार में समझा देती हूँ, चोपड़ा में जो दो कपल को मारा गया था वो कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या समर्थक तो नहीं थे, या उन्होंने कोई संवैधानिक बात तो नहीं कह दी थी जो विधायक साहब को बहुत बुरा लग गया था या ममता बनर्जी साहिबा को बहुत बुरा लग गया था, नहीं, जो भी तृणमूल कांग्रेस के नेता मंत्रियों के दिमाग में आएगा कि इसने शरिया के खिलाफ काम किया है, बस उसको इसी तरीके से शरिया सभा में इंसाफ दिया जाएगा और एक कंगारू जो पनिशमेंट होता था वो दिया जाएगा, जैसे सीरिया वगैरह में औरतों को रस्सी से बांध करके, तालिबान में औरतों को रस्सी से बांध करके मारा पीटा आज भी जाता है, उसी तरीके से इन लोगों को पनिशमेंट दिया जाएगा। हालांकि हमारे अल कुरान के हिसाब से इस्लामिक पनिशमेंट सिर्फ औरतों पर जायज नहीं है, मर्दों पर भी जायज है, यहां तक के हमारे अल कुरान के हिसाब से जो भी मुसलमान पुरुष रेप करते हैं उनको पत्थर से मार मार करके उनको मृत्यु दंड देने की बात लिखी हुई है। तो भारत में पिछले 77 साल से यही मुसलमान जो शरिया का राग अलाप रहे हैं, यही मुसलमान जो कह रहे हैं कि हम इस्लाम मानते हैं, ये इस्लाम नहीं मानते हैं, मैं बार बार समझाती हूँ, क्योंकि अगर ये इस्लाम मान रहे होते तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, वक्फ बोर्ड, जमायतुल उलमाए हिंद, दियोबंद के साथ साथ इन्होंने इस्लामिक पनिशमेंट भी मांगा होता नेहरू साहब से, इंदिरा गांधी साहिबा से, उन्होंने कहा होता कि ये तो मेरे इस्लाम का सबसे बड़ा अंग है, हमें ये भी दीजिए, लेकिन इन्होंने इस्लामिक पनिशमेंट कभी भी नहीं मांगा। तो ये चिटिंगबाज मुसलमान है, बिल्कुल, ये तलाक की बात करते हैं शरिया के हिसाब से, महिलाओं को तंग करने के लिए शरिया के हिसाब से चलते हैं, लेकिन जहां पर चोर उचक्की के लिए, अपराध करने के लिए पुरुष जो है उन पर जब सजा की बात आती है तो शरिया से भाग जाते हैं, तब इनको भारत के संविधान के हिसाब से जो सजा है वही चाहिए, भारत के कानून चाहिए, ये दोगलापन है। लेकिन ये लोग जो इस लड़की को मार रहे हैं, इनकी सबके चेहरे तो बेनकाब, सब पहचान में आ रहे हैं, अभी तक इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, किसी कोर्ट ने कोई संज्ञान नहीं लिया। नहीं, आज सुबह में मुझे खबर आई है कि FIR हुआ है, जैसे सारी मीडिया, सारी इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया और जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, जितने भी राष्ट्रवाद के लोग हैं,
जो संवैधानिक लोग हैं भारत में, उन्होंने जैसे ही जेसीबी अपने ट्विटर के माध्यम से, अपने इंस्टाग्राम के माध्यम से करना स्टार्ट किया था, तब जा करके पुलिस स्टेशन को, चोपड़ा के पुलिस स्टेशन के ऊपर एक डीजीपी का एक प्रेशर आया और उसने कहा कि एफआईआर करके उसको अरेस्ट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज एक पूरा मास, एक पूरा इंटेलेक्चुअल डिपार्टमेंट भारत का जेसीबी के और हमीदुल रहमान के खिलाफ खड़ा हो चुका है। तो कहीं ऐसा ना हो कि कलकत्ता हाईकोर्ट सुओ मोटो एक्शन ले ले या सर्वोच्च न्यायपालिका ले ले, इट्स बेटर कि उसको एक नॉर्मल सेक्शंस और धाराओं के तहत इसको अंदर ले लो, कहीं ऐसा ना हो कि एक गैदरिंग जो है वो न्याय सुना दे। तो इसलिए उसी तरीके से जैसे जैसे हम बात कर रहे हैं कमरहट्टी के इस इंसिडेंट पर, जैसे जैसे और लोग बात कर रहे हैं, तो अब एक प्रेशर आएगा तब इसको अरेस्ट किया जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाजिया लाई खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा, जहां पे आपने देखा नाजिया खान जी ने पश्चिम बंगाल के हालात और ममता बनर्जी की साजिश को कैसे एक्सपोज किया। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।